नमस्कार, मैं हूँ रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालोर। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसका सब्जेक्ट कोड है EE206। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है और कितने टाइप की होती है, किन किन के बीच में बनती है, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में देखें। आज हम देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके लिए जिस सर्किट की हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले उस सर्किट को बनाते हैं। ये जनरेटर का आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पर स्विच लगाए गए हैं, ये लोड। देखिए, आर्मेचर से निकलने वाली करंट आर्मेचर करंट कहलाती है, फील्ड में जाने वाली करंट सीरीज फील्ड करंट कहलाएगी, ये लोड में जाने वाली करंट लोड करंट IL कहलाएगी। लोड के अक्रॉस वोल्टेज है उसे लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। हमने स्विच लगा रखा है, ये लोड को डिसकनेक्ट या कनेक्ट करने के काम आता है। और यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए हम एक एमीटर लगाते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है OCC। फुल फॉर्म है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। OCC के और भी कई नाम हैं, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, सैचुरेशन कर्व एक्सेट्रा। देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनती है, ये पहले सारी बातें बताई जा चुकी है। ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है फील्ड करंट और आर्मेचर के EMF इन दोनों के बीच में। यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए सबसे पहले जनरेटर को नो लोड पर रखा जाता है, यानी कि ये जो स्विच है इसे रखेंगे स्विच को ओपन, कोई भी लोड यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद में प्राइम मूवर की मदद से जनरेटर को फिक्स स्पीड पर चलाया जाता है, यानी कि स्पीड होगी वो होगी कांस्टेंट स्पीड पर। अब ये चलने लगा, उसके बाद में क्या करते हैं, फील्ड करंट को वेरी करते हैं और आर्मेचर और इसमें जो चेंजेज आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और दोनों के बीच में कर्व बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आर्मेचर करंट है वही हमारी सीरीज फील्ड करंट है और जो फील्ड करंट है वही लोड करंट है, यानी कि ये तीनों करंट एक ही है, लोड करंट। तो हम यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं, फील्ड करंट इक्वल टू लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ चाहते हैं कि फील्ड करंट को हम जीरो से लेकर धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन चूंकि लोड करंट पे है, ये नो लोड पर है, जब नो लोड पर है तो लोड करंट तो क्या होगी, जीरो। जब लोड करंट या फील्ड करंट जब जीरो है, करंट जीरो ही है, तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए सीरीज जनरेटर के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसको परफॉर्म करने के लिए ये जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसको यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया जाता है और फील्ड वाइंडिंग को अलग से एक्साइटेशन दिया जाता है, अलग से सप्लाई से जोड़ा जाता है। यहाँ पर करंट को वेरी करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस और करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगा दिया जाता है और यहाँ से अलग से एक
डीसी सप्लाई दी जाती है, यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर में ओसी से ठीक वैसे ही ज्ञात की जाती है जैसे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ज्ञात की जाती है। इसलिए क्योंकि सब कुछ सेम है उसमें और इसमें, तो जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो भी दोनों की एग्जैक्टली सेम होगी, कोई फर्क नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फील्ड करंट है ये अलग है, ये अब हम फील्ड करंट को वेरी कर सकते हैं और एमीटर की मदद से फील्ड करंट को रिकॉर्ड करेंगे। अलग अलग फील्ड करंट के लिए अलग अलग आर्मेचर ईएमएफ की वैल्यू नोट करेंगे और इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे। इनिशियली जब फील्ड करंट जीरो है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, उस समय यहाँ पर कोई फ्लक्स भी पैदा नहीं हो रहा, ईएमएफ जीरो होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के और ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ये का जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होता क्योंकि रेजिडुअल ईएमएफ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और जो कि लगभग 2 से 8 वोल्ट तक होता है, तो ये रेजिडुअल ईएमएफ रहेगा यहाँ पर। फिर जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने पर ईएमएफ बढ़ेगा, तो एक लीनियर इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और कुछ समय बाद जब सैचुरेशन आ जाता है, यानी कि अब करंट बढ़ाने पर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो ईएमएफ भी नहीं बढ़ेगा और ये हमारा ओसीसी इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ओसीसी है डीसी सीरीज जनरेटर का और डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का एग्जैक्टली सेम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक जो कि है हमारी लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में बनेगी बताया जा चुका है, टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, यानी कि यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज रहेगा और यहाँ पर फील्ड करंट रहेगा, क्योंकि ये तीनों करंट बराबर है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि फील्ड करंट को वेरी करें और चूंकि ये लोड कैरेक्टरिस्टिक है, अब हम स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच क्लोज होते ही जनरेटर लोड पर आ गया, लोड कनेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे फील्ड करंट को वेरी करेंगे। इस कंडीशन में आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, आर्मेचर करंट को। अब देखिए आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक ही चीज है, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इसको कांस्टेंट रखना है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इसको वेरी करना पॉसिबल नहीं, इसलिए वापस क्या करेंगे अगेन इसको सेपरेटली एक्साइट करेंगे। ये सर्किट यहाँ पर भी काम आएगा, तो डीसी सीरीज जनरेटर में लोड कैरेक्टरिस्टिक ठीक वैसी ही होती है जैसे कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओसीसी को ड्रॉ कर रहे हैं वापस, ये हमारी ओसीसी है। ठीक, ये ओसीसी क्या है, ईए और आईएफ के बीच में रिलेशन है। अब ये तीनों अलग इक्वल नहीं रह जाएगी क्योंकि हमने सर्किट अलग काम में लिया, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, अब ये करंट सेम नहीं है, हमारे ये दोनों यहाँ पर वैलिड रहेंगे। अब देखिए आप टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई ए माइनस आई ए आर ए। ठीक, अब यहाँ देखिए आई ए कॉन्स्टेंट है, आर ए भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसमें से ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अगर घटा दी जाए तो हमें वी टी मिलेगा, तो ये ई ए की कर्व तो हमारे पास है, इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म हमें घटानी है, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म हम इसमें से घटा देते हैं, तो ये जो हमारा कर्व है इसे ही कहते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। ये है हमारी लोड कैरेक्टरिस्टिक, ये वी टी और आई एफ के बीच का रिलेशन है। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, इसमें जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसे आराम से समझेंगे। एक्सटर्नल
कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में बनाई जाती है, ये बनेगी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच, ठीक है। यहाँ पर हमारा लोड करंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगेन हम स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्विच क्लोज रहेगा, लोड कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि लोड करंट है, लोड करंट आर्मेचर करंट एक ही चीज़ है, लोड करंट को वेरी करना है और देखना है कि टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस समय हमें अलग से सेपरेटली एक्साइटेशन देने की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली डीसी जनरेटर ही काम में लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी फील्ड करंट और ये इसकी लोड करंट, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में जब लोड करंट जीरो है, लोड करंट जीरो है यानी कि आर्मेचर करंट जीरो है, फील्ड करंट जीरो है, जब फील्ड करंट जीरो है, लोड करंट जीरो है, फ्लक्स जीरो, ईएमएफ भी जीरो, लेकिन रेजिडुअल ईएमएफ होगा और बढ़ाने पर ही इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, यानी कि हमारी अगेन ओसीसी हमने वापस ड्रॉ की है, इसी प्रकार का कर्व हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं ये हमारी जो ओसीसी है ये किसके बीच में है, ई नॉट, ई नॉट क्या होता है, नो लोड। जब नो लोड है, जब कोई लोड नहीं है, उस समय ईएमएफ कितना था हमारा, ई आर रेजिडुअल ईएमएफ हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद में अब देखिए ये हमारा जो वी टी है टर्मिनल वोल्टेज और ये ई ए, ये हमारे उसी से हमने निकाल ली। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं, लोड करंट को हमें बढ़ाना है और लोड करंट में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज करना और साथ ही साथ वी टी को रिकॉर्ड करके यहाँ पे उसका कर्व बनाना होता है। लोड करंट बढ़ा रहे हैं यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर आर्मेचर करंट बढ़ेगी, हम जानते हैं आर्मेचर करंट के बढ़ने के कारण आर्मेचर रिएक्शन होता है जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, यानी कि टोटल फ्लक्स है वो कम हो जाता है। अब जब यहाँ पर टोटल फ्लक्स कम हो जाएगा, टोटल फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, तो ईएमएफ भी नो डाउट कम होगा। तो ये जो हमारा ईएमएफ है ये कम होगा जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ही आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी और ईएमएफ भी कम होता जाएगा। तो इस तरीके से कर्व मिलेगा कि इनिशियल में तो ये धीरे धीरे इनिशियली ये कम होता है वोल्टेज ड्रॉप और आगे जाके ये बढ़ता जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा ड्रॉप है वो है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आप समझ गए होंगे। पहले ये ओसीसी जो कर्व था वो ई नॉट यानी कि नो लोड, नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के साथ में था। ये जो हमारा दूसरा कर्व है वो हमें मिला है ई और फील्ड करंट के साथ में। ई ए क्या चीज़ है, ई नॉट में से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को हमने घटाया तो हमें ई ए मिला, ई और फील्ड करंट के साथ में ये कर्व मिला। इस कर्व को इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तीसरा जो कर्व होगा वो वी टी के साथ में, वी टी बराबर क्या होगा, ई ए माइनस आई ए आर ए। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दो है, आर्मेचर का और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस आर सीरीज, तो दोनों ही रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड होंगे, आर्मेचर प्लस आर सीरीज, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ने के कारण ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी, यानी कि वी टी भी लगातार कम होता जाएगा। तो अब जो कर्व मिलेगा वो ऐसा कि ये वी टी लगातार कम होता जाएगा आपका, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो ये हमारी करंट है ये रेटेड करंट है, ये फुल लोड करंट है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, ये जो हमारा कर्व है ये रिक्वायर्ड कर्व है जिसे कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देने योग्य है
कि जैसे जैसे ये लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये कर्व है वो नीचे आता जा रहा है, लेकिन सेचुरेशन में, सेचुरेशन के समय देखिए आप कि ईएमएफ कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि फील्ड करंट आप कितनी ही बढ़ाओ फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो ईएमएफ भी नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो जाता है, ये लगभग समान चल रहा है, आप भले कितनी ही इसको बढ़ाओ, तो ईएमएफ तो हमारा कांस्टेंट हो गया, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बढ़ेगा और आईएआर ये ड्रॉप दोनों ही बढ़ते जाएंगे, यानी कि ये दोनों ड्रॉप बढ़ेंगे तो होगा क्या, आगे जाके धीरे धीरे नीचे झुकने लगेगा। तो जब तक हमारा जो मशीन है, जो जनरेटर है, रेटेड कैपेसिटी पे वर्क करता है, फुल लोड कैपेसिटी पे वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब लोड ज़्यादा हो जाता है, ये ओवरलोडेड हो जाता है, तो उसके बाद में एक लिमिट पर जाकर, कोई एक लिमिट पर जाकर ये होता है कि कर्व धीरे धीरे वापस नीचे झुकने लगता है और कर्व सस्टेन नहीं कर पाता और जो पूरा जो वोल्टेज है वो कॉलेप्स हो जाता है, वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो ये आज हमने देखा डीसी जनरेटर की, डीसी सीरीज जनरेटर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, धन्यवाद।